दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बावजूद नियमों की अनदेखी का सिलसिला जारी है। गंभीर हालत के बावजूद कोई सरकार जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। दिल्ली सरकार ने इसके लिए आसपास के पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहराया तो बीजेपी ने इसकी सारी जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मत्थे डाल दी। उनका कहना है कि प्रदूषण की वजह से लोग दिल्ली छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को इसकी कोई चिंता नहीं है। कि दिल्ली के पर्यावरण की चर्चा केंद्र के मंत्री को करनी पड़ रही है, भाई केंद्र के मंत्री के पास तो पूरे देश की पर्यावरण की चिंता है ना, तो क्या यहाँ का मुख्यमंत्री आईसीयू में है, क्या यहाँ का मुख्यमंत्री जी कहीं बंगलोर में 7 स्टार में अपनी खांसी का इलाज करा रहे हैं। नरेला के एक अस्पताल के पास संदिग्ध हालत में आग लगाने की वजह से आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ गया। दिल्ली में 1 नवंबर से 10 नवंबर तक खुले में आग लगाने पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद अस्पताल के पास लाखों की संख्या में सैनिटरी पैड्स को जलाने की वजह से आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ गया। आशंका है कि सैनिटरी पैड्स बनाने वाले कोई कंपनी अस्पताल के पास कूड़ा डालकर चली गई। इस आग से अस्पताल के पास मरीजों पर बुरा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। जैसे ये देखने को मिल रहा है, इसमें शायद सारे जो भी पैड्स बनते हैं ना, सैनिटरी पैड्स बनते हैं, उसको फेंका गया है और उसके ऊपर जो जिसमें पैकिंग की जाती है पॉलीबैग्स की, उसको जलाया जा रहा है। इसमें ये कूड़े कबाड़े की अक्सर मिलती रहती है, यहाँ आती रहती है, कॉल आती रहती, तीसरे दिन दूसरे दिन आती रहती है। और ये फैब्रिक वाले भी डाल के जाते हैं यहाँ पर कूड़ा, और बाहर का फैक्ट्री वाले जिन्होंने ठेका दे रखा वे वहाँ पर गिर जाते और रात को आगे देते रहते हैं। आना पड़ता है नरेला बॉर्डर पर किसानों ने औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों की नाराजगी नाथूपुर गांव में चलने वाली औद्योगिक इकाई से है। किसानों का आरोप है कि कारखानों से निकलने वाले जहरीले धुएं की वजह से उनकी गोभी की फसल खराब हो गई है, जिससे उन्हें भारी घाटा है और कर्जा चढ़ गया है। किसानों का कहना है कि उन्होंने सरकार से प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों की कई बार शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो उनको बुला रहे हैं और हमें जो है किसानों को एक को भी नहीं बुलाया, ना किसानों की उसकी बाबत कोई चिंता। तो हम इस बात के विरोध में हैं, है भाई, हमें पूरा रोष है इस बात का किसानों में कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के हर स्तर पर कवायद हो रही है। इसके लिए कुल 70 टीमों का गठन हुआ, इसके बावजूद नियमों की अनदेखी थम नहीं रही है। दूसरी ओर इस मसले पर राजनीतिक दलों के बीच परस्पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।